या राहीम अब मैंने रिकॉर्डिंग लगा दी है ठीक है

अब ये जो दो सेंटेंसेस थे इनसे क्या हमें मिसालें मिली है कि दो तरीका कार नजर आए हैं और वो दो तरीका कार वो थे जो कि स्पीच को रिपोर्ट करने में थे और स्पीकर ने हमें बताए थे फर जो फर्स्ट जुमला था उसमें एग्जैक्ट वो वर्डिंग थी जो बोलने वाले ने बोली है यानी उसने बोला है एक शख्स ने जो बोला है वो एग्जैक्ट वर्डिंग वर्डिंग उसने दी है कि हरीज एन आइडल बुआ बड़ा सुस्त लड़का है अब ये जुमला जब मैं और आपने सुना और किसी और को जाकर बताया तो हमने कहा कि रीमा ने कहा था रामा ने कहा था कि हैरी जो है ना बड़ा ही सुस्त लड़का है यानी उसके अल्फाज हमने आगे कन्वे किए तो ये हमारी निरेशन की स्पीच बन जाती है रिपोर्टिंग वर्ब्स जो होते हैं ना जिनसे हम बात आगे पहुंचा रहे होते हैं ये असल में हमारे चेंज होते हैं और इसके साथ रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ही हमारा प्रोनाउन भी चेंज हो जाता है प्रोनाउन वही होता है ना जिससे जुमला स्टार्ट करते हैं ही शी इट दे वी अकॉर्डिंग टू द वर्ब हो जाते हैं पहले जुमले में भी जनाब जो सेट था उसने बताया कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो सेट था तो हैरी इज एन आइडल बॉय जो उसने कहा और इसके बाद जो रिपोर्टेड स्पीच में गया तो ये जुमला जो इधर वाला पोर्शन था ना मैंने आपको बताया था ये वाला पोर्शन जो है रिपोर्टेड स्पीच है और इधर वाला पोर्शन जो है रिपोर्टिंग स्पीच है रिपोर्टिंग स्पीच जो हो रही है और रिपोर्टेड स्पीच जो हो चुकी है अब सेकंड सेंटेंस में उसने बताया कि एग्जैक्ट वर्डिंग जो थी जो स्पीकर ने हमें दी थी हमने उससे उसको थोड़ा सा नेमुल बदल कर दिया टेंस के मुताबिक प्रेजेंट से पास्ट में ले गए और उसी को इनडायरेक्ट कहते हैं जो हम नरेशन को बदल के साथ पेश करते हैं अगर हम जुमला देखते हैं तो हम ये भी तो देखते हैं जो डायरेक्ट स्पीच है उसके अंदर का इजाफा होता है यानी आप और मैं बात कर रही जो मैंने अपने मुंह से कोटेशन समझ लेना जो कोटेशन आप यूज करते हैं ये कोटेशन हैं इन्वर्टेड कोमास के साथ कोटेशन होती हैं और जो अल्फाज होते हैं ना जो पहले होते हैं रिपोर्टेड स्पीच से शुरू होते हैं और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है वो एक कैपिटल लेटर से शुरू होती है उसके बाद जनाब एक कोमा आ जाता है और कोमे को जब हम प्लेस करते हैं रिपोर्टिंग स्पीच के अंदर तो हम उसे सेपरेट करते हैं डेट वर्ड्स के साथ और ये जो रिपोर्टिंग स्पीच वाला हिस्सा होता है ना ये सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है ये मैंने आपको बताया था ना उस दिन ये बात कह चुका है ये बात कर रहा है आई वाला समझे ये है और ईडी वाला समझे ये हिस्सा है और रिपोर्टेड और रिपोर्टिंग पहले सेंटेंस में जब हम देखते हैं तो दूसरे सेंटेंस है और यहाँ पर जो थे, जो थे, उनके को दिया गया है। अब यहाँ पे कोई कोमा नहीं लग रहा है आफ्टर सेड आफ्टर सेड के बाद और रिपोर्टेड स्पीच में हमें जो इंट्रोड्यूस करवाया गया है वो कंजंक्शन डेट इंट्रोड्यूस करवाई गई है ठीक हो गया ना समझ आ रही है ना मैं इंग्लिश सारी स्किप कर रही हूँ अब ये जो वर्ब्स थे वो चेंज हो गए हैं किसमें जो वर्ब हमारा था इज उसको हमने चेंज कर दिया है वॉस के साथ अकॉर्डिंग टू द टेंस तो प्रेजेंट जो है वो पास्ट में चेंज हो गया बात वही आ गई सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल जो कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो गया प्रेजेंट के तो सुपर सिंपल है पास्ट के ओनली दो ही तो आ रहे हैं पास्ट सिंपल जो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो रहा है और इसी तरह पास्ट परफेक्ट जो है वो पास्ट सिंपल पास्ट परफेक्ट में चेंज हो रहा है और पास्ट परफेक्ट अपने ही पास्ट परफेक्ट में ही चेंज हो रहा है ये रूल्स हमारे के बारे में। अब चेंज जो रूल्स देख रहे हैं वो डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच में हम और रूल्स क्या देखते हैं इन रूल्स के तहत हम देखते हैं जो आपको चेंजिंग करने में मददगार फराहम होंगे तो इसमें जो हमारे रिपोर्टिंग वर्ब्स हैं ना इन द प्रेजेंट और फ्यूचर अब उनकी बात कर लेते हैं प्रेजेंट और फ्यूचर में हम क्या करेंगे वर्ब्स इन द रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड एट ऑल अब ये हमारे वर्ब्स को चेंज नहीं करेगा बात चल रही थी ना यहाँ सेड की जब मैंने आपको पहले बताया गया अगर सेड है तो हम टेंस चेंज करेंगे ये वाला सेड अगर ये यानी यह की बात कर रहे हैं ना अगर ये हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच वाला पोर्शन है वहां पर सेड नहीं आ रहा वहां पर आता है आपका प्रेजेंट और आपका फ्यूचर तो टेंस नॉट गोइंग टू बी चेंज तो हमारी टेंशन एक और खत्म हो गई अब यहाँ पे टॉम सेज वो कहता है देर इज नो इंक इन द इंक इंकोर्ट इन कॉमर्स के साथ उसने बताया फिर बात को मैंने बताया टॉम सेज दैट देर इज नो इंक इन द इंक इंकोर्ट टॉम कहता है कि जनाब इसमें तो इंक ही नहीं है बिकॉज दिस इज द प्रेजेंटेंस इसलिए यहाँ पर हमने ये वर्ब चेंज नहीं किए हैं ये भी सारे इसी चीज की एग्जाम्पल्स हैं अगर वास में था तो वास ही रहेगा सेस के बाद अगर विल में है तो विल ही रहेगा और विल में अगर जुमला है यानी अगर रिपोर्टेड स्पीच ही हमारी फ्यूचर में बात कर रही है इसको हम कह रहे हैं कि मुस्तबिल है। अशोक विल से डिनर इज रेडी अशोक कहेगा भाई खाना तैयार है अब जब मैंने ये बात किसी और को बताई तो मैंने कहा हाँ अशोक विल से डिनर इज रेडी वो जरूर कहेगा कि भाई खाना तैयार है तो ये विल की वजह से यहां पर भी हमने टेंस में कोई रद्दल बदल नहीं किया है अब यहां पर चूंकि वाज था तो वाज ही रह गया इज था तो ईजी रह गया विल था तो विल ही रह गया रिपोर्टिंग स्पीच में कॉमास चेंज हो गए में अगले रूल को डिस्कस कर लेते हैं अगला रूल हमें बता रहे हैं जनाब ये जो अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारे जो हैं इज इन द पास्ट टेंस अगर पास्ट टेंस में होते हैं तो जो वर्ब्स होते हैं ना रिपोर्टेड स्पीच के उनको हम चेंज कर देंगे पास्ट टेंस में क्योंकि अब पहले तो बात हमारी चली ना फ्यूचर और प्रेजेंट की उसमें चेंजिंग नहीं आई लेकिन अगर पास्ट टेंस इसकी बात कर रहे हैं

Is hard. बड़ी से काम कर रहा है, है. क्यों क्योंकि ये हमने जो का ये वाला पोर्शन था यहाँ पर पास्ट में बात हो रही है प्रेजेंट परफेक्ट को देखा है तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा सिंपल हमारा हैज हैड है, में चेंज हो जाएगा आगे चलते हैं तो जो मे है चेंज इन टू माइट और इसको कैन को खुड में चेंज कर देंगे इनकी एग्जाम्पल्स भी सेड की वजह से ही आ रही हैं। अगर यहाँ पर सेड है तो हमने मे को माइट में चेंज कर दिया और कैन को खूड में चेंज कर दिया अब पास्ट सिंपल की तरफ चले जाते हैं तो ये पास्ट परफेक्ट बन जाएगा क्योंकि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म यूज हो रही है और यहाँ पे हैड के साथ थर्ड फॉर्म यूज होगी ये हमारा पास्ट परफेक्ट का फार्मूला है टेंसीज आने आपको बहुत जरूरी है अगर आपने

इसके साथ फर्स्ट फॉर्म एंड आई एनजी अब हैड जो है ये हमने हैड बीन लिया है परफेक्ट से और फर्स्ट फॉर्म के साथ आई एनजी हमने लिया कॉन्टिन्यूस से आगे चलेंगे तो हमारा शेल जो है वो शुड में चेंज हो जाएगा विल जो है वो वुड में चेंज हो जाएगा इसके बाद टेंसिस में कोई ज्यादा मजीद तब्दीलियां नहीं आ रही है अगला रूल देख लेते हैं इस रूल में हमने क्या करना है कि ये जो हमारे रिपोर्टेड होंगे ना इनमें कुछ यूनिवर्सल और कुछ हैबिचुअल फैक्ट्स भी पाए जाते हैं सिंपल प्रेजेंट में अगर रिपोर्टेड स्पीच हो रही है तो वी विल नॉट चेंज इट एंड टू एनी सिंपल नहीं करेंगे लेकिन जो मेन अनचेंज तो अनचेंज ही उसको रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर सिंपल पास्ट की बात की उसने उसने कहा कि ये ये येस्ट ये है वो है ना ऑनस्ट इज द बेस्ट पॉलिसी यूनिवर्सल ट्रुथ है ये एक कोटेशन है ये एक आपका मॉरल है ये हमेशा से ऐसा है हमेशा ही ऐसा रहेगा और आगे भी हमेशा इसको ऐसा ही रहना चाहिए इस वजह से हम इसमें कोई वाज नहीं लगा रहे कि टीचर ने कहा था ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी अब जब मैं आपको बता रही मैं कहूँ टीचर सर ऑनेस्टी वाज द बेस्ट पॉलिसी ये तो फिर उसकी वो यूनिवर्सल ट्रूथ वाली वैल्यू खत्म हो जाएगी ना क्योंकि ये तो हमेशा ऐसा ही रहेगा आज के दौर में भी कहा जाएगा अगले दौर में भी कहा जाएगा उससे अगले दौर में भी कहा जाएगा तो इसके जो यूनिवर्सटॉलिटी तो हमेशा कायम रहनी चाहिए इस वजह से कुछ हैबिचुअल सच्चाइयां जो आदतन होती हैं जो कायनाती सच्चाइयां होती हैं उनको चेंज नहीं कर सकते जो अर्थ घूमती है ना बेशक यहाँ सेट आया है लेकिन हमने फिर भी इस जुमले को चेंज नहीं किया है चेंजेस इन द प्रोनाउंस प्रोनाउंस हम जानते हैं कौन होते हैं ही शे इट वाज वर ये सारे प्रोनाउंस होते हैं ना जो हम यहाँ पे यूज करते हैं इनको किस तरह चेंज करना है प्रोनाउंस जो होते हैं ना फर्स्ट पर्सन के हिसाब से जो होते हैं ना डायरेक्ट स्पीच में उसको चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में और सेम पर्सन और सेम सब्जेक्ट बनाएंगे जो कि हमारे इंट्रोडक्टरी वर्ब्स में यूज हुए देखिए जॉन ने अब कहा है तो अब याद रखिएगा ये मैं आपसे बात कर चुकी कि जॉन अगर लड़का है तो उसको देखना है कि ही लगेगा लड़की है तो शी लगेगा जॉन ने कहा जनाब जॉन सेट आई एम बिजी उसने कहा मैं बिजी अब यही बात जब मैंने आपको बताई तो मैंने कहा जॉन सेट डेट ही वॉज बिजी ये एम जो है वॉज में चेंज हो गया और ये जो आई जो है ही में चेंज हो गया क्योंकि यहां मैं तो नहीं ना कहूंगी कि जॉन सेट आई एम बिजी नहीं जॉन की जुबान में बात करनी है तो जॉन की वजह से ही लग गया अब यहां पर इस लड़की ने आई में बात की है इवन ये सेड था और हमने अब इस प्रोनाउन को ये देखे को, में चेंज कर दिया और इसको लड़की के हिसाब से शी में चेंज कर दिया है इसी तरह से आपके ये ये सारे चेंजिंग चल रही है। ये आप ऑटोमेटिकली मेरे साथ कर चुकी हैं प्रोनाउन जो चल रहे हैं सेकंड पर्सन के इन स्पीच में वो कैसे चलेंगे इनकी अब आगे देखते हैं नाउन तो हम जानते हैं ना इस होता है नाम होता है किसी भी बंदे का नाम चल रहा होता है लेकिन ये जो प्रोनाउंस होते हैं वो उस नाम का नेमुल बदल होते हैं अब हैरिश क्या कह रहा है उसने मुझसे कहा यू आर रॉन्ग अब ये यू कौन है मी को कह रहा है ना अपने आप को तो नहीं कह रहा है। अब हैरी ने मी कहा है तो इट्स मीन कि ये अब हमारा जो सेकंड पर्सन है ना उसकी बात कर रहा है देखिए ये था फर्स्ट पर्सन जो बोल रहा है सेकंड पर्सन है सुन रहा है मैं बोल रही हूँ आप सुन रही हैं आप सेकंड पर्सन है ना ठीक हो गया ना आपको मैं यू कहूंगी अब हैरी के सेड का बन जाएगा टोल्ड कि उसने मुझे बताया यानी उसने बयान दिया कि मैं आई वाज रोंग मैं गलत था अब आपने इन पे गौर करना है इन चीजों पे सेकंड पर्सन पे यो, यो गौर कर रहे हैं हम अपने अब वाली ने क्या कहा अशोक से यू आर अ गुड बॉय अब वाली टोल्ड अशोक दैट ही वाज अ गुड बॉय अब यहां पर चूंकि मी था इस वजह से आई लगा मैंने बयान दिया यहाँ उसने अशोक से कहा है और अशोक से ही उसने बयान दिया यानी उसमें ना आप है ना मैं हूं कि तुम ऐसे लड़के हो और फिर यही बात मैंने किसी और को बताई तो मैंने कहा उसने अशोक से कहा कि वो अच्छा लड़का है ठीक हो गया बस थोड़ा सा इसको आपने ट्रिकीनेस से देखना होता है कि किसके बारे में बात हो रही है तो उस हिसाब से प्रोनाउन को चेंज करेंगे अब मीरा ने कामिला गुड गर्ल तो मीरा ने कामिला से कहा है मीरा ने मुझे नहीं कहा है तो फिर मैं इसीलिए मीरा की कमला के हिसाब से शी लगाऊंगी कामिला लड़की का नाम है अब सेड टू हिम तो हिम जो है ये भी कोई थर्ड पर्सन ही है ना ना आप है ना मैं हूँ फर्स्ट पर्सन तो नहीं है ना तो हिम के हिसाब से यहाँ ही लग गया आगे आ थर्ड तो पर्सन थर थर को हम ऐसे ही रहने देंगे उसको हम चेंज नहीं करेंगे क्योंकि अब ये बात कर रहा है हैं अपने हरिश, हरीश अपने आप के बारे में बता रहा है कि भाई वो बीमार है अब यही बात मैंने जाके किसी और को बताई तो मैंने कहा कि उसने मुझे बताया था कि वो बीमार था ठीक हो गया आगे आ जाए जनाब जब हम चेंजेस कर रहे हैं लेकिन नो पर्सन चेंज इज मेड व्हेन द स्पीच इज रिपोर्टेड जब रिपीटेड रिपोर्टेड स्पीच होती है तो फिर हम पर्सन को चेंज नहीं कर देते हैं इट वाज़ द फर्स्ट एड्रेस जिससे पहले बात की जा चुकी है हैरी सेड टू यू यू उसने आपसे कहा सेकंड पर्सन से कहा यू आर रोंग तुम गलत हो अब हैरी टोल्ड यू दैट यू आर रोंग अब यही बात मैंने सुनी और मैंने बाद में उसे दोहराया और जाट कर बातें कहा हाँ हैरी ने तुम्हें तो कहा नहीं था कि तुम गलत थे ठीक हो गया हैरी ने उसके मुंह पर भी उसे कहा और फिर बाप ने तीसरे बंदे ने भी आकर उसे कह दिया हैरी का है अब 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 जो एग्जाम्पल्स है ना इसमें वर्ब जो सेड है ना वो डायरेक्ट स्पीच में बोला गया है जिसको हमने टोल्ड में चेंज कर दिया है इनडायरेक्ट स्पीच में ठीक हो गया अब हमने यहाँ पे टू जो थी उसको भी खत्म कर दिया कर दिया टू में से टू को बिल्कुल खत्म कर दिया क्योंकि टू लग गया ना टोल्ड के अंदर टू टोल्ड टू टोल्ड टू अच्छा नहीं लगता तो टोल्ड में टू आएगी आप ये समझ के इसे याद करें अगर ये आ जाएंगे टर्निंग पॉइंट पे तो ये हमें बता रहे हैं कि जनाब ये जो टर्निंग होते हैं डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट में इनमें हम नियरनेस जो होती है उन वर्ड्स को डिस्टेंस के हिसाब से चेंज करते हैं ये हमने टाइम पीरियड्स की बात की थी कि जो नाउ है देन में चेंज हो जाएगा दिस है डैट में चेंज हो जाएगा दिस है दोज में चेंज हो जाएगा हियर देयर में ये हमारा वो नियरनेस और डिस्टेंस टाइम चेंज प्लेस चेंज वो बन रहे हैं ना एगो बिफोर टू डे डेट डे टुमारो द नेक्स्ट डे यास्ट डे द डे बिफोर और द प्रीवियस डे में चेंज होगा लास्ट नाइट द नाइट बिफोर और द प्रीवियस नाइट में चेंज हो जाएगा यही हमारे आगे सेंटेंसेस में एग्जांपल चल रही हैं इन एग्जांपल्स के साथ हम आगे देखते हैं यहाँ पर वही एग्जांपल्स चल रही हैं डे बिफोर डे नाइट अगली एग्जांपल को देखते हैं टर्न द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू डायरेक्ट स्पीच दैट इज योर एक्सरसाइज फॉर द टेस्ट नाउ टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन यू कैन मेक द टेस्ट थैंक यू बाय